इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सिरफिरे ने लड़की के घर में आग लगा दी है। गुरुग्राम से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एक तरफा प्यार में इस घटना को अंजाम दिया है और लड़की को भी जान से मारने की धमकी आरोपी ने यह दी है। आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया, आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी ने दो साथियों को भेजकर लड़की के घर में आग लगाई है और सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना कैद हो चुकी है। बताया जा रहा है कि जिस लड़की के घर में आग लगाई है उसको भी जान से मारने की धमकी दी है और फिलहाल इसके बाद से यह आरोपी फरार बताया जा रहा है। एक तरफा प्यार का मामला यह बताया जा रहा है। फिलहाल जो जांच पड़ताल में अब तक साफ हो पाई है चीजें, लड़की को भी जान से मारने की धमकी ये दी गई है। फिलहाल पुलिस हर एक एंगल से पूरे मामले की जांच पड़ताल ये कर रही है। आरोपी फरार बताया जा रहा है। उसने अपने दो साथियों को भेजा था जिसके बाद ये घर में आग लगाई गई है और अपना आप को फरार बताया जा रहा है और सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना कैद हो चुकी है। फरूख नगर की यह घटना बताई जा रही है जहां पर एक सिरफिरे ने लड़की के घर को आग के हवाले कर दिया। और ये देखिए, ये दो लोग यहां पर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि आरोपी के ये दो साथी हैं जिनको यहां पर भेजा गया था लड़की के घर में आग लगाने के लिए, और आरोपी यहां पर पहुंचे, घर में आग लगा दी, उसके बाद से ये मौके से फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में ये कैद हो गई है। लड़की को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश खुराना हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, एक तरफा प्यार का मामला ये बताया जा रहा है जहां पर लड़की के घर को आग लगाई गई है और खबर यह भी है कि जान से मारने की धमकी भी दी है। फिलहाल पुलिस की जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है, क्या कुछ चीजें अब तक इसमें क्लियर हो पाई हैं? जी बिल्कुल, गुरुग्राम के फरूखनगर इलाके की ये पूरी घटना है जहां पर एक सिरफिरे आशिक ने जो है लड़की के घर में आग लगाने की जो है कोशिश की है। और बात करें जो सिरफिरे आशिक है उसमें लड़की के साथ जो है हरकत भी की है और साथ ही साथ जो लड़की है उसको जान से मारने की धमकी जो है युवक ये आरोपी जो है दे चुका है। इसके बाद जो है इस हरकत के बाद जो लड़की के जो परिजन हैं उन्होंने गुरुग्राम पुलिस को जो है इसकी शिकायत दी। उसके बाद ये जो पूरी घटना है ये सीसीटीवी में कैद हुई और साथ ही साथ फरूखनगर थाने में जो है शिकायत दर्ज के बाद जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। और इससे पहले भी जो लड़की और उसके परिवार को जो आरोपी है वो धमकी दे चुका है और कई बार इस तरीके की हरकत जो है ये आरोपी युवक कर चुका है। ठीक है, चलिए आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।